देखिए आज यहाँ से एक परिवर्तन की हवा है, एक परिवर्तन की क्रांति है, परिवर्तन की आंधी है, पूरे देश में जाएगी। मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि परिवर्तन की आंधी के आप सहभागी बन रहे हैं। देखिए हमारा जो मिशन है राजनीति में क्षेत्र में, इस देश का जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, जिनको आज तक ना शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, ना रोटी रोजगार व्यापार का मतलब हिस्सेदारी मिल रही है, सब लोगों को राशन पानी मतलब राशन दिया जा रहा है ना, और देश में नल नाड़ी खंजा को विकास बताया जाता है, जबकि मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नॉट जैसे नॉट मतलब विकास, ये जो है मूलभूत सुविधाओं को विकास बता करके आदि उठकते हैं। हमारा जो मिशन है सभी को समान शिक्षा दो, एक संविधान है, एक देश है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे अदानी का बच्चा है, चाहे जुग्गी वाले का, चाहे रिक्शे वाले का, चाहे ब्राह्मण का, चाहे बाल्मीकि का बच्चा है, सभी को शिक्षा एक समान हो, ये हमारी क्रांति है। और सभी को स्वास्थ्य व्यवस्था एक समान हो, जैसे अभी गांव-गांव मतलब एम्बुलेंस लगा दी, स्वास्थ्य केंद्र बना दिए नाम मात्र के लिए। स्वास्थ्य केंद्र में कौन कौन इलाज कराता है, ना कुत्ता बैठते हैं, गाय बैठती हैं, अनाधिकृत कब्जे होते हैं, माँ चपरासी इलाज करता है। तो स्वास्थ्य केंद्र में कभी आपने देखा है कभी मंत्री को, विधायक को जाते हुए इलाज कराते देखा है? तो भाई जनता के लिए क्यों? या प्राइमरी स्कूल जो गांव-गांव स्कूल खुले हुए हैं, उनमें कभी मंत्री, सांसद, विधायक के छोड़ो चपरासी के बेटा पढ़ते हुए देखा है? तो ये हमारी एक क्रांति है, ये संदेश है पूरे देश में कि राजनीति अब हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गंगा के नाम नहीं चलेगी, अब ये गांव गरीब और गीता के नाम चलेगी, गीता को शिक्षा के नाम चलेगी, ये गांव गरीब, मजदूर, किसान और गीता के नाम राजनीति चलेगी देश में, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी रोजगार, व्यापार की राजनीति चलेगी देश में। नवलोक पार्टी पूरे दमखम के साथ में आप देख रहे हैं, हुजूम है यहाँ, मतलब कार्यकर्ता है, ये हमारा हुजूम नहीं है, जनता नहीं है, आम जनता, ये कार्यकर्ता है हमारे, कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, बातों को लेकर जनता के बीच हो जाएगी। यही बात है, मैं बताता रहूं कि ये देश में हिंदू, मुस्लिम, मतलब मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गंगा, दलित आवरण समरण, इसमें नाम राजनीति नहीं चलेगी, ये देश का विकास सामूहिक करना है। तो हर तबके लोकसभा कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी करेंगे? हमारा उत्तर प्रदेश से आगाज हो रहा है, 30 सीट हमारी कन्फर्म जीत के कंडीशन में, हमारी 30 सीट पर हमारे वो है आउटपुट है, और इसके आगे हम राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, जो हमारे सीमावर्ती प्रदेश है, उनमें भी हमारे मतलब तैयारी चल रही है बहुत जोर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? ईवीएम के बारे में। देखिए ईवीएम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम में दोनों ही पक्ष है और विपक्ष है, मतलब उसका विरोधी भयंकर है और उसका जो सत्ता पक्ष है उसका समर्थन भी करता है। तो हम ये कहते हैं जहाँ विरोध है तो उसको हटा देना चाहिए। कई मतलब मैंने पढ़ा है अभी गूगल पे, जो विकसित देश है वहाँ से हटा दिया गया है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब संदेह है तो क्लियर कर दो, उसमें कौन सी बुराई बुलाई है। ईवीएम सही है या नहीं? नहीं, मैं टेक्निकली उसमें नहीं गया हूँ, टेक्निकली मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सोशल मीडिया माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सुनते हैं, उसका गलत भी पक्ष लगता है, अच्छा भी लगता है। 22 तारीख को श्री राम मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए मंदिर का शुभारंभ, मेरे को डेली खुशी है, मैं डेली पूजा करता हूँ, और उस दिन शुभारंभ हो रहा है उस दिन ही पूजा करूंगा। मैं अभी पूजा करके आया हूँ भगवान की। भगवान की पूजा, देखिए भगवान की पूजा जो है हमारे दिल का वास्ता है, हमारे मन का वास्ता है, और हमारे दैरी का वास्ता है, और हमारे देवालय का वास्ता है। लेकिन उससे पहले साथ साथ हमें शिक्षालय भी चाहिए, देवालय के साथ साथ हमें शिक्षालय भी चाहिए, और कार्यालय भी चाहिए काम करने के लिए, और कर्मस्थली भी चाहिए काम करने के लिए, जहाँ से हमको रोटी रोजगार व्यापार मिलता है। भगवान के भरोसे हमारी जन्म हमारा हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारी जो आगे की प्रक्रिया है हमारा जीवन के बाद, वो हमारा संविधान के विषय है। चुनाव आते ही क्यों याद आता है? चुनाव का प्रक्रिया, देखिए राजनीति ही एक ऐसा विषय होता है, पूरे हमारे देश की बात नहीं है, राजनीति पूरे अपने नागरिकों को दिशा और दशा तय करती है। इसलिए राजनीति के माध्यम से ही एक व्यक्ति, अदानी भी इस देश को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो सामूहिक पैसा है वो राजनीति के पास में है, सामूहिक पैसा है वो सरकार के पास में है, एक जनता के पास में नहीं है। मैं चालूँ, आप चालें, 1500 लोग चालें, कुछ कर लेंगे देश में। जो तो राजनीति का जो पैसा है गरीब के लिए नहीं आएगा, जो तो हमारी क्रांति रुकेगी नहीं।